सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर पाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ETH पर। तो दोस्तों, आज जो सर्किट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप इस सर्किट से 1000 वाट, 2000 वाट, 4000 वाट, 10000 वाट तक भी सर्किट जो है बना सकते हैं। सिर्फ स्ट्राइक को चेंज करना होगा और बाकी 4 कंपोनेंट्स इसमें और मैंने लगाए हैं। तो पूरी पार्ट्स की जो लिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है दे दी है। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा सर्किट है ये। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला कि हाई वाट का डीमर हमें चाहिए, आप इसके साथ कोई भी हीटर या कोई भी जो ड्रिल है, कोई भी जो चीज़ है हाई वाट की है, उसको कम या ज़्यादा वोल्टेज को करके आसानी से ही कर सकते हैं। बस एक बात का खास ख्याल रखें कि ट्रैक के साथ जो हीट सिंक है वो लोड के अकॉर्डिंग थोड़ी बड़ी होती जाएगी। अभी लगभग मैं 1000 वाट का जो लोड इस सर्किट पर डालूंगा तो इतनी हीट सिंक से काफ़ी अच्छा काम चल जाएगा, जिससे कि ट्रैक बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा लोड लेना है तो हीट सिंक बड़ी करें। तो दोस्तों, ये वही सर्किट जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, सिर्फ ट्रैक इसमें मैंने चेंज किया है। तो जितने भी लोड के लिए आपको बनाना है, इस ट्रैक को आप जो है चेंज कर देंगे। पूरा जो इसका डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इसका जो सर्किट लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस जो सर्किट को बनाना कैसे है वो मेरी लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। तो अभी इस सर्किट के साथ जो है मैंने एक ड्रिल को अटैच कर लिया है, तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो सप्लाई मैंने इस सर्किट को दे दी है, अभी ड्रिल को ऑन करते हैं। तो मैं ये बटन दबा के इसे परमानेंट ऑन कर देता हूँ। देखिए ड्रिल फुल स्पीड में चल रहा है। तो अभी इस कंट्रोल से, जो वेरिएबल कंट्रोल हमने लगाया है, इससे ड्रिल की स्पीड को हम कम या ज़्यादा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो हीटर को कम या ज़्यादा इससे आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सर्किट है। बस एक बात का खास ख्याल रखें, अपने लोड के अकॉर्डिंग जो है हीट सिंक जो है उसका साइज़ ज़रूर बढ़ा दें, क्योंकि ट्रैक अगर गर्म होगा तो ख़राब हो सकता है। अदरवाइज और इस सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हम ड्रिल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना हो या समझना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।